संजय लीला भन्साळी निर्मित आणि दिग्दर्शित पद्मावत सिनेमा देशभरात सर्वत्र प्रदर्शित करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. सर्वोच्च न्यायालयानं पद्मावतवर घातलेली बंदी उठवली आणि चित्रपटाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे आणि त्यांनी ती पार पाडायला हवी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले. त्यामुळं ज्या राज्यांमध्ये पद्मावत चित्रपटावर बंदी घातली होती त्या ठिकाणी आता पद्मावत प्रदर्शित करण्याशिवाय राज्य सरकारकडे पर्याय नाही आहे. सेन्सॉर बोर्डानं पद्मावत सिनेमाच्या काही दृश्यांवर कात्री लावून परवानगी दिली होती, मात्र तरी देखील गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश तसंच हरियाणात पद्मावतवर कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुढे करत बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळं पद्मावतच्या निर्मात्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्मात्यांना अभय देत पद्मावत सर्वत्र प्रदर्शित करण्याचा मार्ग मोकळा केलाय. दरम्यान राजपूत करणी सेनेनं पद्मावत विरोधात आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवलाय. चित्रपटावर बंदी न घातल्यास प्रजासत्ताक दिनावर बहिष्कार घालणार असल्याचा इशारा राजपूत करणी सेनेनं दिलाय. करणी सेनेचे अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर यांच्याशी काही वेळापूर्वी फोनवरून केलेली बातचीत आपण ऐकूया. हमारा विरोध जारी रहने वाला है क्योंकि ये जो अधिकार ये केंद्र सरकार को है. सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है. केंद्र सरकार जब रिजेक्ट करती है तब भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का था यहाँ पे. और हम अभी 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन के ऊपर बहिष्कार डालने वाले हैं महाराष्ट्र में. पूरे केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी चाल है. उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने की सलाह दिया है. हम निषेध करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार का निषेध करते हैं. हम इस बारे में बड़ा हमारा आंदोलन रहेगा. इस चित्रपट हम खुशी हालत के अंदर चलाने नहीं देंगे. खुशी खुशी जेल के अंदर जाने वाले हैं हम. 25 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे और 26 तारीख को प्रजासत्ताक दिन के ऊपर हमारा बहिष्कार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट का हम जाहिर निषेध करते हैं हम. ये देखिए, ये अंतिम चेतावनी है. लीला भंसाली को इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा. और हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु पूरे देश में, हम राजपूत एक जाजम में आके खड़े इस मामले में. महारानी पद्मावती हमारी हमारे आन बान शान की प्रतीक है. और अगर छत्तीसगढ़ में फिल्म लगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस बार बिल्कुल तैयार हैं लीला भंसाली. और मैं बोलता हूं कि मतवाले मतवालों से टकरा कर देख लो, और अगर हिम्मत है तो हिम्मत आजमा कर देख लो. ये विरोध जो है फिल्म पद्मावती जो अभी पद्मावत है उसके रिलीज के लिए विरोध है. और हम पूरी पुरजोर विरोध करते हैं कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए. ये फिल्म पूरी हिंदू संस्कृति के खिलाफ में, इसलिए इसका विरोध हम कर रहे हैं. फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.